आइए मैं इसकी भी एक कटिंग ले लेता हूँ। तो इसको बढ़िया से मैं यहाँ से इसकी कटिंग लेता हूँ, देखिए आइए, और इस तरह से ये देखिए। तो दोस्तों ये है वो मेरा शानदार सा डहेलिया का प्लांट, जो खूबसूरत पिंक पिंक बहुत बढ़िया से जिसने फूल दिए थे। तो ये देखिए ऐसा इस तरह का बचा है, मैंने इसको गर्मियों में बड़ी मुश्किल से इसको बचाया, और बहुत सारी ब्रांच यहाँ से आई हुई थी इसमें, जिसकी बहुत सारी कटिंग मैंने लगाई। और एक बार भी मैंने इसकी कटिंग जुलाई के फर्स्ट वीक में लगाने की कोशिश की तो वो मेरी असफल हो गई, क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो दोबारा से मैंने इसकी कटिंग, बहुत सारी कटिंग मैंने लगाई, तो वो मैं उसमें लगाने में सफल हो गया। और ये देखिए अब मैं इसकी भी यहाँ से कटिंग ले सकता हूँ, फिर इसमें और सी बहुत सारी ब्रांच निकलेंगी। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कुछ कटिंग जो मैंने इसकी ग्रो की हुई थी। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4 ये कटिंग है मेरी जो एकदम सक्सेसफुल हो गई है, और शानदार से वैसे ही बड़े बड़े पिंक पिंक डहेलिया इसमें आएंगे। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि ये जो कटिंग मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी तो ये कैसी है इसकी रूट डेवलपमेंट। तो ये देखिए मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ, ये देखिए, ये दिख रही है। तो आइए मैं इसको यहाँ से डिप करता हूँ, ये देखिए ये है इसकी रूट, आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसी तरह से मेरे ये बाकी के भी 4 प्लांट हैं। तो आइए हम इसको रिपोर्ट कर देते हैं। तो शुरुआत में तो अभी मैं इस पॉट में इनको रिपोर्ट करता हूँ, छोटे छोटे पॉट में, बाद में फिर मैं इसको इस बड़े पॉट में इनको शिफ्ट कर दूंगा। तो आइए हम इसको रिपोर्ट कर देते हैं। तो ये इसकी पॉटिंग सॉयल है, तो ये मैंने इसमें मिट्टी ली, ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए इस तरह से मैं इसको रिपोर्ट कर देता हूँ। ये देखिए तो एक डहेलिया मेरा तैयार हो गया, आइए इसी तरह इनको भी रिपोर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये मेरी फाइनली कटिंग सारी इसमें मैंने रिपोर्ट कर दी है छोटे छोटे पॉट में, और ये जो एक सामने आपको दिख रही होगी एक ब्रांच, आइए मैं इसकी भी एक कटिंग ले लेता हूँ। तो इसको बढ़िया से मैं यहाँ से इसकी कटिंग लेता हूँ, देखिए आइए, और इस तरह से ये देखिए। तो इसकी भी मैं कटिंग को ग्रो करता हूँ, तो देखिए यहाँ की मैं थोड़ी सी पत्तियाँ हटा देता हूँ इस तरह से, ये देखिए, और ये भी, और इधर भी, ये देखिए। और इसमें आप यहाँ पर स्टेप में साफ पाउडर, फंगीसाइड कुछ भी लगा सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ये एलोवेरा है, तो मैं इसमें एलोवेरा में डिप कर लेता हूँ इस तरह से, और इसको मैं लगाता हूँ इस पॉली बैग में, तो देखते हैं कि इसमें ग्रो होती है कि नहीं। ये देखिए इस तरह से ये। तो अब मेरे पास इतनी सारी कटिंग हो गई, तो इन सब में तो रूट है, इसकी रूट डेवलप होनी है। तो आइए हम इसमें वाटरिंग कर देते हैं इस तरह से, तो दोस्तों ये मेरी शानदार से मनपसंद डहेलिया, पिंक पिंक बड़े बड़े डहेलिया, ये मेरी कटिंग उनकी लग चुकी है, और शानदार से लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास इसमें बढ़िया बढ़िया से फूल खिलेंगे। तो ये था डहेलिया की कटिंग को ग्रो करने का वीडियो, कैसा लगा आपको वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो इनको अभी हम रखेंगे 1 हफ्ते तक सेमी शेड एरिया में, तो फाइनली हमारी ये कटिंग लग चुकी हैं।